बीकानेर के नापासर में सीएमएचओ देवेंद्र चौधरी की अभद्र टिप्पणी से नाराज ग्रामीणों ने नापासर संघर्ष समिति के बैनर तले कल से ही धरने पर बैठे हैं। सत्यमेव न्यूज द्वारा प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद बीकानेर से चिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए नापासर पहुंचा था, लेकिन अनशनकारियों की महिला चिकित्सक लगाने की प्रमुख मांग पर कोई आश्वासन नहीं दे पाए और ना ही सीएमएचओ देवेंद्र चौधरी की अभद्र टिप्पणी पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आज अनशनकारी और ग्रामीणों ने नापासर के मुख्य बाजार स्थित नेताजी पार्क में सीएमएचओ देवेंद्र चौधरी का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। इससे पूर्व सीएमएचओ का पुतला लेकर नापासर के मुख्य बाजार और मार्गों से होते हुए आक्रोश रैली निकाली गई। दो दिन से जारी अनशन को लेकर आज भी ब्लॉक सीएमएचओ सुरेंद्र चौधरी अनशनकारियों से वार्ता करने पहुंचे, लेकिन अनशनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को कोई स्पष्ट जवाब देना नहीं स्वीकार किया। महिला चिकित्सक को नापासर सीएससी में पदस्थापित नहीं किया जाता और सीएमएचओ देवेंद्र चौधरी अपनी टिप्पणी पर माफी नहीं मांगते तब तक यह अनशन जारी रहेगा। आज भी नापासर सीएससी में भारी संख्या में महिला रोगियों की भीड़ देखी गई है। महिला रोगियों ने बताया कि महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण वह अपने मर्ज के बारे में पुरुष चिकित्सक को लज्जा के कारण नहीं बता पाते, इसलिए उनको मजबूरन बीकानेर जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। बीकानेर पंचायत समिति सदस्य अनुराधा पारिक ने बताया कि इससे महिला रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं बीकानेर के नापासर में भूख हड़ताल जारी है, क्योंकि वहां पर कोई महिला चिकित्सक नहीं है। महिलाओं को अपने मर्ज के बारे में बताना पुरुष चिकित्सक के सामने बेहद मुश्किल हो जाता है। अनुराधा जी, आपका ये आमरण अनशन कुछ कर दिखाएगा या ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, ये हम आमरण अनशन पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी जो मांग हमने रखी है वो जब तक नहीं मान जाएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आप देख रहे हो कैमरे में कि हमारे साथ कितनी महिलाएं यहाँ खड़ी है और ये रोज मतलब इससे ज्यादा संख्या में यहाँ महिलाएं आती है और यहाँ महिला डॉक्टर है नहीं। हम संकोच बस पुरुष डॉक्टर के सामने अपनी पीड़ा भी नहीं बता पाते हैं, आधी पीड़ा भी नहीं बता पाते हैं। मजबूरन जो डॉक्टर हमें लिख के दे देते हैं हम वही दवा खाने को मजबूर है। महिला डॉक्टर हो तो हम अपनी समस्या को एकदम एक दोस्त की तरह उससे शेयर करके अपनी पीड़ा बताए।